बसम्अल इस वीडियो में हम जायजा लेंगे कि मुस्तकबिल के, के अफगानिस्तान में क्या शरिय निज़ाम नाफिज होगा जो कि तालिबान की डिमांड है या फिर अफगान सदर अशरफ गनी की ख्वाहिश के मुताबिक अमरीकी तर्ज की जमहूरियत कायम होगी इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या इन मुजात में किसी समझौते तक पहुँचना मुमकिन है या नहीं अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुजात का सिलसिला शुरू हो गया है मुजात के पहले दिन इमदाद, खातन के हकूक फायरबंदी और इस्लामी निज़ाम के नफाज के कई दीगर मामलों पर बात की गई ये मुजाक आलमी तौर पर अमरीका में सितम्बर ग्यारह सन दो हजार इक्कीस के दहशत गर्दाना हमलों के उन्नीस बरस मुकम्मल होने के एक दिन बाद शुरू किए गए है अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रम्प अपने मुल्क की तारीख की तवील तरीन जंग का खात्मा और तमाम फौजियों का इनखला चाहते हैं नवंबर में सदारती इंतखात होने वाले हैं और ट्रंप की कोशिश ये है कि इन मामलों को जल्द निमटाया जाए रवान साल फरवरी में अमरीका और तालिबान के माबैन डील तय पाई थी और इसी डील का एक हिस्सा काबुल हुकूमत और तालिबान के माबेन बरह रास्त मजाक का इनका था इन मुकर के आगाज से कबिल कई ममालिक औरतों ने फरीकैन पर जंग बंदी और ख़ुतिन के हकूक के तहफ को यकीनी बनाने के लिए जोर दिया सदर ट्रंप ने ये इंदिया भी दिया था कि वो काबुल हुकूमत के लिए माली इमदाद को किसी डील तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ ये बात भी अहम है कि तालिबान अफगानिस्तान को एक इस्लामी अमारात में बदलना चाहते हैं, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी की ख्वाहिश है कि मगरबी हमायत याफ्ता आईनी जमहूरिया का निजाम राइज रहे कतर के दारुलकूमत दोहा में काबुल हकूमत और तालिबान बाग़ियों के दरमियान बराह रास्त मुझ हफ्ता बारह सितम्बर से शुरू हो गये है इफ्ताही तक़रीब से खिताब करते हुए अमरीकी वजी खारजा माइक पम्पियो ने कहा कि अगरचे मुताद चैलेंज मौजूद हैं ताहम फरीक़ैन को मौके से फायदा उठाते हुए किसी तफसली तक तक चाहिए उनका कहना था कि आप मुल्क में किसी किस्म का सियासी निज़ाम चाहते हैं ये फैसला आप ही कहे मगर हम ये समझते हैं की तशद के सिलसिले को तोड़ने के लिए तमाम अफवान शहरी के हकूक का तहफ़ करना दुरुस्त रास्ता है उनका ये भी कहना था कि मुस्कबिल में अफगानिस्तान को दी जाने वाली माली इमदाद का दारोमदार दोहा मुकर में किए गए फैसलों पर होगा बाद अफगानिस्तान के लिए खसूस अमरीकी मंदूब जुलम खलीलजाद ने रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी रोकने के अलावा अकलीतों और खातन के हकूक का तहफ़ भी माली इमदाद की वसूली के लिए लाजमी है मुजाकर में अफगानिस्तान के वफद की क़्यादत करने वाले सबक चीफ एग्जेक और अफगान आला मसालती कमेटी के सरबराह अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने अपने इब्तदाई बयान में जंग बंदी का मुतालबा किया इलावा जी, उन्होंने ये भी कहा कि अगर फरीक़ैन तमाम नुकतों पर इतफ़ाक न भी कर पाए तो भी समझौता जरूरी है उनका कहना था की मेरा वफ्द दोहा में एक ऐसे सियासी निज़ाम की नुमाइंदगी कर रहा है जिसे मुख्तलिफ़ाफतों और नस्लों से ताल्लुक रखने वाले अवाम की हिमायत हासिल है जबकि तालिबान के वफद के सरबराह मुला अब्दुल गनी बिरदर ने अपने इब्तदाई बयान में तालिबान का देरीना मुतालबा दोहराया कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए उनके बकौल अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज होना चाहिए जिसमें तमाम कबाइल और नस्लों के लोग बिला इम्तियाज अपनी जिंदगी मोहब्बत और भाईचारे से गुजार सकें यूरोपी यूनियन और मग़रबी दफाई इतिहाद नेटो ने दोहा में काबुल हुकूमत और तालिबान के माबैन मुजात के आगाज को सराहा है नेटो की जानब से कहा गया है कि अमन अमल में पेशर और हालात को देखते हुए अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला या उसकी तादाद में रद्दबदल पर बातचीत की जा सकती है ताहम नेटो ने खबरदार भी किया है की अमन अमल के बावजूद इस वक्त अफगानिस्तान में प्रत वाक़ बहुत ज्यादा हो रहे हैं बसदीन का कहना है कि इन में किसी समझौते तक पहुंचना एक पेचीदा मामला है और मतलूबा मकासद के हसूल में काफ़ी वक्त लग सकता है अलाते हाजरा का ये प्रोग्राम करंट अफेयर्स डायजेस्ट की इधारती टीम ने तैयार किया है आप अपनी कीमती आरा से हमें हमारे सोशल मीडिया लिंक के आगाह कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं